हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं कमलेश कुमार भारतीय दिव्यांग न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हम इस वक्त बात कर रहे हैं सोनभद्र जिला बबनी ब्लॉक से। हमारे साथ है आशीष गुप्ता जी जो कि दोनों आंख से दृष्टि बाधित है और इस बार ये चपकी जीआईसी इंटर कॉलेज से ये इंटर फाइनल कर चुके हैं और ये दोनों आंख से दृष्टि बाधित है। लेकिन आज हम उनसे चर्चा करने वाले कुछ ऐसे ज्ञान के भी बारे में जो कि घर रहते ही मोबाइल का भी नॉलेज कर लिए और अब कंप्यूटरी लाइन में भी आगे जा रहे हैं और हमारे समाज के बारे में भी बताएंगे। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हम सबके प्रति भेदभाव रखते हैं, जो कि नेत्रहीन है, जो पैर से विकलांग है, जो सुन नहीं सकते हैं, उनको भेदभाव रखते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा समाज कहता है, हमारा ये रूल है हम सबका, इस तरह से लोगों को मन में ऐसी भावनाओं को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। आशीष जी अपने पूरा परिचय देते हुए अपनी व्याख्या रखें। जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष कुमार यूपी के डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में मैं रहता हूँ और गांव का नाम है चैनपुर। जी, और सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जो है कि अब आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। और हमारा शुरुआत सबसे पहले मैं बता देता हूँ जी कि शुरुआत हमारा हुआ था, सबसे पहले हम स्कूल में पढ़ रहे थे, वो था बनारस में, हम गए थे दुर्गा कुंड जो है हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विश्वविद्यालय। जी आशीष जी, आप ये बताइए, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गा कुंड वाराणसी आप पहुँचे थे, वहाँ पर आपको क्या सीख मिला, वहाँ से आपको क्या कुछ प्राप्त हुआ? शिक्षा तो भाई बहुत प्राप्त हुई, उतना ज्यादा साल तो हम रह नहीं पाए, हालांकि 2-3 साल ही वहाँ पर हम जा पाए जी, लेकिन उतने में ही हमें मतलब लगा कि ब्लाइंड लोगों के हिसाब से पढ़ाई है और ब्लाइंड लोगों के लिए ही है, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में जो बच्चे जाते हैं तो उनको काफी सारा दिक्कत होता है, बच्चे मजाक उड़ाते हैं, परेशान करते हैं और कुछ समझ में भी नहीं आता, लेकिन ब्लाइंड के समाज में जाते हैं तो सब लोग एक ही प्रकार के रहते हैं तो अच्छा लगता है। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि ब्लाइंड समाज में रहने का मतलब कि ब्लाइंड समाज की तरह ज्ञान अर्जित होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक ही समान से सबको देखा जाता है, एक ही पढ़ाई सबका होगा, एक ही सब कुछ होगा। आप ब्लाइंड समाज को किस नजरिए से देखना चाहते हैं आशीष जी? ब्लाइंड समाज को हम एक उभरते हुए जो है कि रूप में देखना चाहते हैं कि ब्लाइंड समाज इतना आगे बढ़े कि कोई भी सोचे कि ब्लाइंड लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं, आखिर ब्लाइंड लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये हैरान हो, ऐसा हम चाहते हैं। आशीष जी, हमारा सवाल एक और है आपसे जी। अभी फिलहाल में 17 नवंबर 2021 को एक मुस्लिम वर्ग की लड़की थी जो ब्लाइंड थी और शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में बीएससी कैंडिडेट थी, जिसकी यूपी बस ड्राइवर द्वारा हत्या कर दी गई, उसमें सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, सरकार बिल्कुल भी ब्लाइंड लोगों के मामले में और जो है कि विकलांगों के मामले में बिल्कुल ही मौन है, कुछ भी नहीं कर रही है, और सबको तो सरकार देख रही है लेकिन ब्लाइंड लोगों को बिल्कुल भी सरकार ने अनदेखा कर दिया है। क्या कुछ भी हो रहा है, हर बात को दबाया जा रहा है जी, कि ये ब्लाइंड है, ये क्या कर सकता है, अरे दबा दो, ये ब्लाइंड है, कहाँ जाएगा अपनी मांग करने के लिए जी। हाँ, यही किया जा रहा है आजकल सरकार के द्वारा। इस पर आप क्या प्रलोभन देना चाहते हैं, सरकार को क्या करना चाहते हैं? सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार सुनवाई करे और जितना मुआवजा उनको मिलना चाहिए वो दे, हम जो गया है दुनिया से उसे तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनको कुछ मुआवजा दे, उनके परिवार वालों को, ताकि वो लोग भी अच्छे से अपना आजीविका चला सकें, और ड्राइवर जो है उसको कड़ा से कड़ा सजा दे, और स्कूल वालों को भी कहें कि आप लोग कैसा स्कूल चला रहे हैं, कैसा व्यवस्था है आप लोगों का, कोई भी स्कूल में अपने सुरक्षित नहीं है एक ब्लाइंड व्यक्ति, तो और कहां सुरक्षित सुरक्षा की वो जो है कि योग कर सकता है वो उम्मीद जी। आशीष जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया जिस तरह से हमने सवाल किया। आशीष जी, इस समय कुछ गांव घर के लोग, जो देहात के लोग हैं, जिनके घर में एक ऐसी लड़की जो देख नहीं सकती वो पैदा हो जाती है, फिर लड़का जो देख नहीं सकते वो पैदा हो जाता है, फिर ना सुनने वाले लड़की या लड़का पैदा हो जाता है, तो उनके कुछ घर के सदस्य लोग मतलब भेदभाव रखने लगते हैं, इसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भेदभाव देखिए नहीं रखना चाहिए, इंसान क्या कर सकता है दूसरे लोग नहीं जान सकते। नहीं नहीं कुछ तो नहीं, नहीं आशीष जी, ये देखिए गलत बात है, आप तो कुछ संदेश देना चाहते हैं, लोग जागरूक कैसे होंगे, ये देखिए कुछ तो आपको संदेश देना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, संदेश देखिए यही देना चाहते हैं हम कि हर कोई हर कुछ कर सकता है, यही तो संदेश देना चाह रहे हैं कि लोग दूसरे लोग मतलब कि कहने लगते हैं कि तुम ये हो, ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो, लेकिन दूसरे जिसके पास प्रॉब्लम है उसको समझना चाहिए कि हम ब्लाइंड है तो हम क्या कर सकते हैं, खुद के कला को खुद से पहचानना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। वो तो ठीक है आशीष जी, वो तो ठीक है, लेकिन जिनके माता पिता ये सोच करते हैं कि हमारे बच्चे देख नहीं सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या उद्देश्य देना चाहेंगे?
उनको यही उद्देश्य देना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। आप मौका देंगे तो हर कोई, हर बच्चा हर कुछ कर सकता है। आप मौका तो देके देखिए, लोग मौका देते नहीं और कहते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। आप ट्राई करें, बच्चों को उत्साह बढ़ाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों का उत्साह वर्धन करते रहे, जितना हो सके अपने अपने हिसाब से बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों के साथ, लेकिन कहना चाहिए कि तुम हर कुछ कर सकते हो, तुम ट्राई करो, कोशिश करो, हिम्मत मत हारो, मत रो जी, मत सोचो। अभी अभी फिलहाल सोनभद्र में हुए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के 3 दिसंबर को जो है कि मतदाता जागरूकता दिवस निकाला गया था, उसमें भी लोगों को संदेश यही दिया गया था कि आप भी विकलांग है, दिव्यांग है, तो एक समाज का एक हिस्सा है, आप भी मत का उपयोग कीजिए और लोगों को ही बताइए कि मत दें। तो क्या क्या आपने मत दिया है अभी तक? नहीं, अभी तो देखिए मतदान तो हम 18 साल के बाद ही दे सकते हैं, तो अभी तो नहीं दे रहे हैं। इस साल के इस बार तो इस बार की प्लानिंग क्या है? इस बार की प्लानिंग क्या है आपका, क्या सोच रहे हैं? इस बार की प्लानिंग अभी तो हमने दिया नहीं है, तो हम लेकिन मान लीजिए इस बार तो वोट देना है, क्या सोच रहे हैं? कुछ तो होगा आपके मन में भावनाएं, कुछ तो चलती होगी भावना। वही है हमारे मन में तो शुरू से यही भावना है कि सरकार ऐसी लोग चुने जो कि हर किसी के साथ हो, किसी को भी इसको क्या कहना चाहेंगे, किसी सरकार बननी चाहिए इस बार? क्या कुछ उपलब्धि गिना सकते हैं किसी सरकार की जो बने अच्छा कार्य कर सके? देखिए ऐसा कहना तो नहीं चाहिए कि कोई कौन सरकार बने, जो भी अच्छा काम कर दे हमारे लिए वही अच्छा है, किसी के नाम से हमें नहीं है कि भाजपा हो। लेकिन आप किसको वोट देंगे ये बताइए, साफ है कर दीजिए, किसको वोट देंगे? देखिए वोट जो हमारे लिए जिसने अच्छे अच्छे काम किया, जैसे कि मायावती जी को ही ले लीजिए, उन्होंने बहुत ही अच्छा अच्छा काम किया। मायावती बहन जी का कुछ उपलब्धियां गिना सकते हैं? उपलब्धियां में यही है कि जो है ब्लाइंड लोगों के लिए भी एक ये बनाया, जो शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन है जी जी, इस फैसले का हम भी स्वागत करते हैं कि शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो एक विकलांग समाज के लिए, विकलांग के हित के लिए बहुत अच्छा काम भान कुमारी मायावती जी ने की है, इसके लिए हम भी अपने टीम की ओर से शुक्रिया करते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि हम उनका मानते हैं ब्लाइंड लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत। और कुछ जानकारी? और जानकारी में और भी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है वो उसने तो कुछ भी नहीं किया, जो हमें मिला था छूट आरक्षण वो भी हटा दिया, वो भी हटा दिया गया, बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में अभी तो हम बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं इस समय अपने ही। ये फर्स्ट ईयर किस विद्यालय से है? डिग्री कहाँ से आप एडमिशन लें? डिग्री कॉलेज से? किस डिग्री कॉलेज से? अभी बबनी ब्लॉक है हमारा, वहीं पर है जनता विद्यालय, वहीं पे हम अभी कर रहे हैं डिग्री। कौन कौन सा विषय चूज किया है? जी समाज शास्त्र है और अर्थशास्त्र है, हिंदी है। अभी बिल्कुल अभी तो 3 ही विषय फिलहाल आ रहा है इसमें। आशीष जी ये बताइए, अभी पिछले 1.5-2 महीने-3 महीने पहले श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गा को वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें सरकार ने कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं माना, मतलब सरकार ब्लाइंड लोगों को कुछ भी नहीं समझ रही है, वैल्यू नहीं दे रही है, इसका मतलब तो जी यही हम कहना चाहेंगे कि किसी को हार नहीं माननी चाहिए, धरना लोग देते रहे लेकिन सरकार सुनती नहीं है ना, सुने तब तो। इसका क्या रीजन है? इसके पीछे कुछ कारण तो होगा कि सरकार नहीं सुन रही है, क्यों नहीं? पीछे देखिए ट्रस्ट वाले जो थे उन्होंने कहीं सरकार से कहीं ना कहीं मिले होंगे, सरकार को उन्होंने कुछ पैसे वैसे कहीं कुल मिलाकर साफ कर दिया गया है कि मिलिया भगत बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार और ट्रस्ट दोनों मिल चुके हैं अच्छे से, इसीलिए कोई भी अब नहीं सुन रहा है सरकार। यानी भारतीय जनता पार्टी के दल जो है कि छोला और चावल खाकर पचा रहे हैं ट्रस्ट के होटल पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रस्ट जो उनको सब कुछ दे रहा है और वो लोग लेते जा रहे हैं, बस कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो ये पैसे का कारोबार है सब। यानी कहने का मतलब आपका साफ है, यही वो लगता है हमें कि सरकार चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल हमने इस सरकार को देख लिया कि कैसे सरकार बिहेव कर रही है ब्लाइंड लोगों के साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इनइंसाफी है ब्लाइंड लोगों के साथ, अभी आप करवा देना। चलिए ठीक है आशीष जी, आपसे इस कड़ी में हमने बात किया, और दूसरी बात ये बताइए अभी आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है? आप जिस तरह से ब्लाइंड है दो आंख से, और हमने सुना है कि आप स्मार्टफोन के बारे में एक एक पार्ट पार्ट के बारे में बता रहे हैं, कौन सा सेटिंग कैसे है, किस सेटिंग में हमें जाना चाहिए, किस तरह से किसी नेट को ऑन करना चाहे, हॉटस्पॉट चाहे, जो भी कुछ है, तमाम बड़ी से बड़ी आप उपलब्धि अपने मोबाइल फोन के बारे में आप जानते हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे और लोगों को क्या, जो ब्लाइंड समाज है, जो देख नहीं सकते, जो छात्र हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए ये तो हमने जो है कि कोशिश किया और सबके आशीर्वाद से जो है हम अभी मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में जितना भी आगे बढ़े हैं बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं कि और आगे बढ़े। और जो ब्लाइंड समाज है उन्हें भी हम यही कहना चाहेंगे अपनी तरफ से कि वो भी हर कुछ में ट्राई करें, कहीं भी ये ना सोचे कि हम ब्लाइंड है तो हम कहीं नहीं आ जा सकते या नहीं कुछ कर सकते, हमें कौन पूछेगा। नहीं, आप खुद के बल पर पहले अच्छे से खड़े होइए, आत्मनिर्भर बनिए, तभी आपको दूसरे लोग जानेंगे आपको। और बिल्कुल इसीलिए कहना चाहेंगे कि हर चीज को ट्राई करके पहले देखें ब्लाइंड लोग कि हम क्या क्या कर सकते हैं और खुद को आगे बढ़ाएं। आशीष जी, आपने जब शुरुआती दौर में फोन चलाने का अभ्यास कैसे हुआ आपको, फोन आप कैसे सीखा आपने? देखिए शुरुआती दौर में तो हर किसी को परेशानी होता है, नॉर्मल व्यक्ति भी अगर शुरुआती दौर में फोन लेता है तो थोड़ा सा हिचकिचाता है सुनने में। नहीं नहीं ठीक है, वो हम जान रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि शुरुआती दौर में आप कैसे सीखे, मतलब आवाज कैसे हो, कोई आपको सपोर्ट करने वाला मिला, फिर अपने आप से आप सीखते सीखते सीखे या फिर और किसी कारण सीखे? सपोर्ट करने वाले तो मिले हैं, जब हमारे पास एक छोटा सा फोन था तो हमने सुना कि स्मार्टफोन भी लोग चलाते हैं, आप लोगों के ही बहुत लोगों के द्वारा सुना उनसे, तो हमें भी मन में आया कि स्मार्टफोन हम चलाएंगे। और दादाजी हमारे से सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है स्मार्टफोन ले लो, चला पाओगे अगर तो हमने लिया और अपने से ही हम सब सीखे। हमें किसी ने कोई कुछ सिखाया नहीं, किसी ने कोई कुछ बताया नहीं, हमने सोचा कि अपने से ही हम चला करके इसको बना के बिगाड़ के सीख लेते हैं। जी यही हमने किया, किसी की मदद हमने। तो अभी तक आप पूरी फोन के बारे में पूरी जानकारी विशेष रूप से प्राप्त कर लिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कर तो लिया ही है। और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है ब्लाइंड लोगों के लिए, ब्लाइंड मोबाइल नॉलेज के नाम से, उससे भी लोग ब्लाइंड लोग हेल्प पा रहे हैं अभी मोबाइल के लिए, कंप्यूटर के लिए। सुनते रहिए और जानते रहिए और लोगों को भी बताइए कि ये दृष्टिबाधित छात्र भी कुछ कर गुजर सकते हैं, चाहे छात्र हो छात्रा। राजस्थान और बिहार के राज्य से आने वाले भी छात्राएं शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में ही पढ़ाई करती हैं। वो भी ऐसे ब्लाइंड जो छात्रा देख नहीं सकती है, छात्र वो दूर दूर से आकर पढ़ रही हैं। तो आप सभी महान अनुभावक लोग से भी आग्रह है कि आप भी अपने बच्चों और बच्चियों को शिक्षा दीजिए और जीवन में एक नया नया भविष्य को उज्ज्वल बनाइए ताकि जीवन में एक नया उपहार आ सके। आशीष जी, आप अभी आगे क्या, मतलब किस लाइन में, आप कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आगे तो हम अभी तो फिलहाल हमने सोचा है कंप्यूटर कोर्स करने के लिए, फिलहाल अभी है ना, तो कंप्यूटर कोर्स करना। क्या तैयारी बनी हुई है अभी? अभी इस समय तो तैयारी कोई अभी नहीं बनी हुई है, अभी तो सिर्फ सोच रहे हैं हम कि कहीं फॉर्म अगर निकले तो हम अप्लाई करें और कंप्यूटर कोर्स करने जाएं और वहीं से कुछ कर सकते हैं हम, उम्मीद है। देखिए हम ये कहेंगे आपको कि आप के पास यदि नॉलेज है तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, और नॉलेज नहीं हो तो दूर भी जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको बताना चाहेंगे हम कि आपको यदि नॉलेज है तो आपने सामने वाले कंप्यूटर वाले भैया से ही संपर्क कर आप अपने कंप्यूटर का अभ्यास करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल ही सही कहा कि जैसे नॉलेज है वो कहीं पर भी कुछ भी सीख सकता है, बस उसे थोड़ा सा हौसला बस जरूरत है वो करने की। सही बात है। आशीष जी, आपसे बात करके अच्छा लगा और इसके लिए मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि हर दृष्टिबाधित भाइयों बहनों का मनोकामना पूर्ण हो और कहीं भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें और पढ़ लिख कर एक नया उपहार, एक जीवन में एक नया खुशी कर सके, हमारे खास करके जिला सोनभद्र एवं प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करें। इसके लिए हम अपने टीम की ओर से, भारतीय दिव्यांग न्यूज की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस यूट्यूब चैनल को लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका राय क्या है आप कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।